नमस्कार, मैं आकिब शेख और आप देख रहे हैं जीवार्ता न्यूज़। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान मानसिक तनाव से जूझ रहा है, चाहे स्कूली छात्र हो। शादी के बाद पारिवारिक जीवन में अक्सर कुछ ऐसी परेशानियां होती है जिसकी वजह से लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन कल्याण के एक डॉक्टर है, डॉक्टर घनश्याम बैसा ने, जिन्होंने समाज में मानसिक तनाव को कम करने का बीड़ा उठाया है। डॉक्टर घनश्याम बैसाने स्पेक्ट बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष हैं, जो चैरिटेबल दवाखाना चलाते हैं और अक्सर गरीब लोगों को कम कीमत में इलाज करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर घनश्याम बैसाने। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जीवार्ता न्यूज़ में। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने ये जो संकल्प लिया है स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लिनिक का, ये क्या है? आप सभी पत्रकार लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप सभी लोग मेरे सामाजिक काम में आज तक लोगों तक पहुंचाने में बहुत अच्छा मदद करते आए हुए हैं, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर घनश्याम बैसाने है। यश क्लिनिक कल्याण, यहां पे मैं फैमिली फिजिशियन इस रूप में पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। विशेषतः गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को इलाज करना, यह मेरा पूरा जिंदगी का मकसद रहा है। और अभी हाल ही में मैंने मानसिक स्वास्थ्य का प्रबोधन करने के लिए संकल्प किया है और उस तरीके से हमारा संस्था का काम काज चालू है। आप देखेंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आपको शहरों में गाँव में दिखाई देंगे, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों की आज बहुत कमी है। मानसोपचार तज्ञ, काउंसलर, समुपदेशक, यह सभी लोग आज मानसिक स्वास्थ्य के ट्रीटमेंट के लिए, लोगों के लिए मददगार है। लेकिन भारत यह बहु लोकसंख्या देश है और वहाँ पे आर्थिक विषमता बहुत है, तो उनको मानसिक इलाज के लिए उतना कुछ लोगों को पैसा उपलब्ध नहीं होता है और वह डॉक्टर तक या काउंसलर तक पहुंच नहीं पाते हैं और उनकी जो मानसिक बीमारी है वो बढ़ जाती है, सीवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं और अंत में उनको आत्महत्या जैसे भयानक मार्ग का अवलंब करना पड़ता है। आज आप देखेंगे पूरे विश्व में आत्महत्या यह बहुत गंभीर समस्या हो गई है। इसको रोकने के लिए आपको काउंसलिंग और यह जो कुछ फ्री में क्लिनिक्स है या काउंसलिंग सेंटर्स है, यह जगह जगह पर बनाने की बहुत ही आवश्यकता हो गई है, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसे सेंटर हमारी संस्था पूरे महाराष्ट्र राज्य में खुलवाना चाहती है। मान लीजिए, क्या ये क्लिनिक पूरी तरह से फ्री है लोगों के लिए? हाँ, यह विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे काफ़ी लोग दोस्त लोग बोलते हैं कि तुम मुफ्त में क्यों देते हो, मुफ्त की लोगों को कीमत नहीं है। यह बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। हमारे रिश्तेदार लोग भी बोलते हैं कि तुम फ्री 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 देते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। मैं आत्मविश्वास और आनंद से कहना चाहूँगा, तो अभी 20 साल में मैंने समाज के लिए 20 से 30 लाख का खुद का खर्चा किया है और काफ़ी लोगों की जान बचाई है, तो यह मुझे बहुत आनंद देता है। और फ्री रखने का मेरा एक महत्वपूर्ण मकसद है, वो ऐसा है कि अगर कोई मानसिक रूप में तनाव रहने वाली व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो वो डॉक्टर के पास कैसे जाएगी, वो काउंसलर के पास कैसे जाएगी अगर उसके पास पैसा है ही नहीं। आजकल की महंगाई के ज़माने में डॉक्टर्स का फीस 500, 200, 300, 1000, तो अगर जेब में पैसा ही नहीं है तो यह मानसिक तान तनाव का समस्या का जो पेशेंट है वो डॉक्टर तक या क्लिनिक तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर वो पहुंचा ही नहीं तो उसकी ज़िंदगी बचाना नामुमकिन है। सर, सपोज कोई पेशेंट आपके मानसिक तनाव से जूझ रहा कोई पेशेंट अगर आपके पास आए तो उसे किस तरह से ट्रीटमेंट उसका रहेगा, क्या उसे जो सलाह दी जाएगी, या इसके अलावा अगर मान लीजिए उसे दवाई भी देनी है तो वो भी आपकी तरफ से ही दी जाएगी, वो भी दवाइयाँ भी बिल्कुल मुफ्त रहेगी?
तो वही पॉइंट यहाँ पे आता है कि अगर ऐसा क्लिनिक रहेगा जहाँ पे कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे पेशेंट वहाँ पे दिल खोलकर जा सकते हैं और हमारी समस्या बता सकते हैं, और उनकी समस्या के लिए हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लिनिक में फैमिली डॉक्टर का दवाखाना, यानी कि उसको जो प्राइमरी फिजिकल इलनेस रहेगा उसके लिए ट्रीटमेंट, इंजेक्शन, गोली मुफ्त में दी जाएगी। उसको काउंसलर की सलाह, समुपदेशक की सलाह मुफ्त में दी जाएगी। अगर उसको ज़रूरत रहेगी तो मानसोपचार तत्व साइकियाट्रिस्ट की सलाह उसको मुफ्त में दी जाएगी। अगर उसको कुछ कानूनन दिक्कत हो तो हमारे पास अभिवक्ता यानी कि वकील, लॉयर्स, ये भी उपलब्ध है, उनकी भी सलाह उनको मुफ्त में दी जाएगी। और हमारे कोई महिला है, उनको घरेलू हिंसाचार या कोई भी समस्या हो महिला को, तो हमारे पास महिला आयोग से निगड़ित समुपदेशक है, काउंसलर है, वो उनको मदद दे सकते हैं। और जिनको कुछ आर्थिक, कुछ बैंक ने फंसाया है या तो कुछ भी आर्थिक रूप से दिक्कत है, तो हमारे पास आर्थिक सलाहकार है, तज्ञ है, तो शिक्षक है हमारे पास बच्चों के लिए, वो सलाह देंगे। तो इस तरीके से अंडर वन रूप हमारे एक ही क्लिनिक में यह सब सुविधाएं उस व्यक्ति को दी जाएगी, और उसकी जो भी समस्या हो, कोई भी समस्या होने दो, स्त्री की, पुरुष की, बच्चों की, सीनियर सिटीजन की, विवाहित स्त्री पुरुषों की, किसी की भी समस्या, कुछ भी समस्या होने दो, हमारे यहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस दिया जाएगा, आत्मबल दिया जाएगा, और उनको उस समस्या से बाहर निकलने के लिए विनामूल्य कोई भी फीस ना लिए हुए उनको पूरी की पूरी मदद की जाएगी, और उनको उस संकट से बाहर निकल के एक सुदृढ़ आदमी बना के दिया जाएगा। उसके हम लोग पूरी पूरे प्रयत्न करेंगे उसके लिए। जैसा कि सर हम देखते हैं कि अक्सर फाइनल एग्जाम्स के वक्त स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, उनके पेरेंट्स भी जो है नर्वस रहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लिनिक में क्या फैसिलिटी रहेगी? बहुत अच्छा सवाल है। अभी 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, काफ़ी पेरेंट्स लोग बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं, 90 के अबव मार्क्स मिलने चाहिए। तो इस दबाव के कारण क्या होगा, हो जाता है कि जो विद्यार्थी विद्यार्थिनी रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि हमको इतना मिलना चाहिए, 90 के अबव परसेंटेज मिलने चाहिए। लेकिन कभी कभी तबीयत की वजह से या कोई कोई कारणवश उनको उतने मार्क्स मिलने में दिक्कत होती है, और अगर वो नहीं मिले तो उसमें जो स्टूडेंट रहता है वो फ्रस्ट्रेशन में जाता है, निराशा में जाता है, और आगे चल के कोई कोई स्टूडेंट सुसाइड भी करते हैं। तो मेरा यह पेरेंट्स लोगों को कहना है कि एग्ज़ाम में जाने के पहले स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का इनका काउंसलिंग होना चाहिए। कि काउंसलिंग ऐसा होना चाहिए कि आपको जो आपने साल भर में पढ़ाई की है उस पढ़ाई को आपको जाके दे के आने का एग्ज़ाम, जितना भी मार्क्स मिले उसमें आपको संतुष्ट होना है। आप बड़े बड़े उदाहरण देखिए, सचिन तेंदुलकर जी है, उन्होंने पढ़ाई में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन हमारी असली ज़िंदगी में उन्होंने बहुत बड़ा काम करके दिखाया। तो कहने का शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि परीक्षा के अंक हमारी ज़िंदगी तय नहीं करते। यह काउंसलिंग हर स्टूडेंट को, हर पेरेंट को एग्ज़ाम के पहले कराना ज़रूरी है, और हमारे यह स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लिनिक में, कल्याण में, यह काउंसलिंग मुफ्त में किया जाएगा। शादी के बाद सर अक्सर जो हम देखते हैं कि पारिवारिक जीवन में पति और पत्नी में छोटी मोटी नोकझोंक और बहस की वजह से भी जो है वो लोग काफ़ी तनाव में रहते हैं, तो ऐसे शादीशुदा लोगों के लिए आप किस तरह सुविधा होने देंगे? शादीशुदा लोगों का तो आपको कहावत मालूम है, शादी का लड्डू खाए वो भी पछताए, नहीं खाए वो भी पछताए, जोक पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन कैसे है कि शादी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, तो शादी होने के बाद शादी में क्या होता है, एक शॉर्ट में अगर बताया जाए तो शुरू में प्यार कैसे होता है, शुरू में प्यार ऐसा होता है कि शादी के शुरू में दोनों में प्यार ज़्यादा क्यों होता है पति पत्नी में, क्योंकि शुरू में सभी लोग पर्सनैलिटी के जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं उसी को खाली देखते हैं, और वो लाइक करने के बाद उनमें प्यार हो जाता है और शादी होती है, या तो शादी का जो कुछ एक दूसरे का संबंध आता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उनके निगेटिव पॉइंट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, फिर बाद में नोकझोंक चालू होती है। तो इसमें
हर एक की अलग अलग पर्सनैलिटी रहती है, तो उसमें आपको एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर शादी है तो लाइफ टाइम का एक अपना संबंध है, तो उसमें आपको एक दूसरे को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरी बात, सेक्सुअल लाइफ भी बहुत मैटर करता है, वो भी उसमें भी कुछ दिक्कत रहेगी तो काफ़ी तनाव आ सकता है। तो आपको शादीशुदा लोगों को जो भी कुछ दिक्कत रहे, आपको दिल खोल के डॉक्टर को बतानी चाहिए। और हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लिनिक में शादीशुदा लोगों के लिए जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जो भी कुछ समस्या है, सेक्सुअल समस्या हो या तो उनके पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स हो या एक दूसरे की नोकझोंक हो, या तो महिला को ससुराल वालों के लोगों से होने वाली परेशानियां हो, ये सभी लोगों का, सभी समस्याओं का हल हमारे यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लिनिक में किया जाएगा। हमारे पास महिला आयोग से जुड़ित समुपदेशक है, काउंसलर है, वो इन लोगों को, पति पत्नी को काउंसलर काउंसलिंग के माध्यम से समझा के बताते हैं। उनके जो तनाव है, उनके जो तंडा है, उनका जो कलह है, दूर करने का प्रयत्न करते हैं। उसमें हम लोग पुलिस स्टेशन से भी मदद लेते हैं। सर, एक तो अहम सवाल कि महंगाई के इस दौर में इस तरह के फ्री क्लिनिक चलाने में आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि पिछले 20 साल से यह मुफ्त का दवाखाना जो चलाने का काम काज है, तो उसमें जो भी कुछ पैसा मेरा खर्चा हुआ है वैयक्तिक रूप से, उसमें तो काफ़ी तनाव आया है, क्योंकि रिश्तेदारों में भी कुछ कि कैसे कि तुम सब फ्री फ्री देते हो, या तो मेरे कुछ डॉक्टर लोग भी बोलते हैं तुम फ्री फ्री देते हो। लोग डॉक्टर को अस्पताल तोड़ते हैं, मारते हैं, लोग डॉक्टर को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और तुम मरीजों को फ्री में देते हो। तो कुछ डॉक्टर लोग भी, मेरे फ्रेंड्स लोग भी नाराज़ है, लेकिन मैंने उनको बोला है कि मेरा जो काम है वो ज़िंदगी भर चलने वाला है। मैं जो मुफ्त में देता हूँ मरीजों को, उसका मेरा उद्देश्य ही अलग है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के जो भी कुछ रुग्ण है, या तो कोई भी फिजिकल इलनेस रहने दो, कि जिनके पास पैसा नहीं है, जब मेरे पास मेरी जेब में पैसा नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा, तब मुझे मालूम हो जाएगा कि ये मुफ्त का दवाखाना क्या मैटर करता है। तो इसलिए मैंने, मेरा खर्चा बहुत हुआ है, कुछ कर्जा भी हो गया था, लेकिन जो मैंने समाज को दिया है, मैं यह चीज़ पे विश्वास रखता हूँ, आप अगर ज़िंदगी में अच्छा काम करते हो तो आपका अच्छा ही होगा, यह मेरे जीवन में मुझे अनुभव में आया है। आपको जैसे मैंने बोला 20-30 लाख का खर्चा मैंने खुद मेरी जेब में से समाज के लिए किया है, तो मेरे ऊपर कर्जा भी बढ़ गया था। फिर निसर्गतः मेरे रूप में मेरे अंकल आए, और वो अंकल ने मेरे काफ़ी कर्जे, उनके माध्यम से मेरे कर्जे नील हो गए। सर, एक आखिरी सवाल कि सरकार भी जो है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ ना कुछ प्रयास कर रही है, तो आप सरकार से कोई मदद क्यों नहीं लेते? सरकार की मदद लेने का जो विषय है, उस बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा। मैं और फिर मैंने यह पुस्तिका भी लिखी है, ये मेरा छोटा सा बुक है, स्पेक मुफ्त दवाखाना व स्पेक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र। इसमें मैंने एक योजना बनाई है कि जैसे मैं अभी ये क्लिनिक चला रहा हूँ मेरे खुद के पैसे से, वैसे अगर सरकार ऐसे बुक्स, ऐसे ऐसे सेंटर शहर शहर में, गांव गांव में अगर ऐसे मुफ्त काउंसलिंग सेंटर अगर खोल दिए जाए, तो काफ़ी मानसिक स्वास्थ्य के मरीजों के लिए अच्छा मौका मिलेगा। वो वहाँ पे जाएंगे, अपना प्रॉब्लम बताएंगे, और काउंसलिंग से माध्यम से तो मैं बोलता हूँ 50-60% लोग अच्छे हो जाते हैं, उनको दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। काउंसलिंग ये बहुत अच्छा फैक्टर है जिसमें हम लोग ओपन अप होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको ओपन अप होना है, आपको खुद बोलना है कि मुझे प्रॉब्लम है, आपको खुद मदद लेनी चाहिए, मदद लेनी चाहिए आपने। आपको ओपन अप होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्लिनिक में जाने का, डॉक्टर को मिलने का। आज बहुत सारे लोगों को यही लगता है, अरे मेरा वेड़ा है क्या, मैं क्या पागल हूँ क्या, साइकेट्रिस्ट के पास जाऊँ। ये लोगों में बहुत अलग गलत फहमी है कि पूरा पागल हो जाएगा तब जाएगा डॉक्टर के पास, ऐसी बात है क्या? आपको सर्दी खांसी होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर मन में तान तनाव है तो आपको तुरंत काउंसलर के पास जाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यह पुस्तिका मैंने लिखी है, मैं मंत्रालय में काफ़ी मंत्री लोगों को मिला भी था कोविड के पहले, लेकिन मुझे यश मिला नहीं। किस तरह से मुझे अभी तक मेरी संस्था को कहीं से
कुछ फंड मिला नहीं है, उपलब्ध हुआ नहीं, लेकिन मेरी कोशिश जारी रहेगी कि अगर ऐसा कुछ सरकार के माध्यम से मुझे अगर कुछ चांस मिला तो पूरे महाराष्ट्र राज्य में ऐसे सेंटर खोलने की हमारी संस्था क्षमता रखती है। और मैं एक बताना चाहूँगा कि सरकार के माध्यम से आपने जैसे बताया कि साइकेट्री मानसिक स्वास्थ्य के सरकार के डिपार्टमेंट से ऐसे हेल्पलाइन जारी हुई है कि वो हेल्पलाइन पे आप कॉल करके कोई भी स्ट्रेसफुल पर्सन रहेगा, कोई भी व्यक्ति, उनको फोन करके अपनी समस्या का फोन पे संवाद या हल निकालने की कोशिश कर सकता है। आपको मैं बताना चाहूँगा हमने भी हमारी संस्था के माध्यम से लाइफ गुरु हेल्पलाइन तैयार किया है। लाइफ गुरु हेल्पलाइन यह नंबर है 9819686290, 9819686290। यह हेल्पलाइन पर आप 24 घंटे कभी भी कॉल करके अपने मानसिक रूप से कोई भी समस्या हो उसके लिए मदद मांग सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सलाह दी जाएगी। 24 घंटे ये फ़ोन चालू रहेगा। अगर बाय चांस कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और अपनी समस्या यहाँ पे बता सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में हम आपकी जो भी कुछ जानकारी है वो गोपनीय रखते हैं, किसी को बताते नहीं है। इसके लिए आप बेहिचक कभी भी कॉल कर सकते हैं और हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लिनिक में आके मिल सकते हैं। और मैंने आपको ये बताना चाहूँगा बच्चों के लिए या तो सभी लोगों के लिए, क्योंकि मैं जब भी शालेय तपासनी के लिए स्कूल में जाता हूँ तो वहाँ पे बच्चों को मैं 2 सेंटेंस उनके मुँह से बुलवाता हूँ। वो ऐसे है कि कभी भी मनुष्य प्राणी ऐसा है कि कभी ना कभी उसको एक बार समस्या तो आनी है। जग में ऐसा कोई भी आदमी औरत नहीं है, लड़का लड़की नहीं है कि उनको समस्या नहीं हो। तो मैं क्या कहना चाहूँगा, हम लोगों ने 2 सेंटेंस बनाए हैं। मराठी में पहले बताऊँगा कि मी जीवनात कोणत्याही वाईट परिस्थितीत मानसिक दृष्ट्या भक्कम आहे। जब भी आपको कोई मानसिक ताण तनाव आता है, समस्या आती है, परेशान होते हो, तो आपने हमारे अपने मन को यह सेंटेंस बोलना है कि मैं जीवन में कौन सी भी बुरी परिस्थिति में मानसिक रूप से भक्कम हूँ। ये हो गया पहला वाक्य। जब भी आप ये सेंटेंस अपने मन को बोलते हो तो क्या हो जाता है कि आपका मानसिक स्थिति एकदम प्रबल हो जाता है, आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर दूसरा सेंटेंस क्या बना है कि मराठी में बताता हूँ, जगात कोणतीही गोष्ट जीवापेक्षा मोठी नाही। जग में कोई भी चीज, दुनिया में कोई भी चीज अपनी जान से प्यारी नहीं है, बड़ी नहीं है। जिंदगी में कोई भी चीज अपनी जान से बड़ी नहीं है। ये 2 सेंटेंस जो बोल गया है वो कभी सुसाइड नहीं करेगा, कभी आत्महत्या नहीं करेगा। मेरा खुद का यह मानना है कि डिक्शनरी में से आत्महत्या या सुसाइड यह शब्द पूरा निकल जाना चाहिए। ऐसी दुनिया आनी चाहिए उसमें कभी भी कोई भी मनुष्य प्राणी सुसाइड नहीं करेगा, ऐसा सुदिन जिंदगी में दुनिया में आना चाहिए। इसके लिए मैं ये सब काम कर रहा हूँ, ये मेरा छोटा सा प्रयत्न है। तो सुना आपने, ये थे डॉक्टर घनश्याम बैसाने, जिन्होंने मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों को मुफ्त सलाह और मुफ्त उपचार करने का संकल्प लिया है, एक नई पहल की है। अगर आपको भी इनसे कोई सलाह लेना है तो आप कल्याण पश्चिम के टावरीपाड़ा इलाके में आ सकते हैं। यहाँ पर यश डे केयर क्लिनिक के नाम से ये चैरिटेबल क्लिनिक भी चलाते हैं। आकिब शेख, जीवार्ता न्यूज़, कल्याण।